assalamu alaikum students today we are going to take a new topic known as terracotta what is basically a terracotta terracotta literally means bird clay it is a product of a clay with made up of uh, with very careful burning and it is a homogeneous mixture सिंपल में हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये टेराकोटा है ना ये बेसिकली क्या है कि एक बर्ल्ड क्ले है जो हमने बनाई हुई है क्ले प्रोडक्ट से बहुत ही होशियारी से जो जो ही हमने इसको बर्न भी किया हो और एक इसमें होमोजीनियस सबसे पहला कैटेगरी है इसमें कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए उसमें प्योर क्ले होनी चाहिए और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टेराकोटा में मिलते हैं जैसे कि हमें ऑर्नामेंटल कोई चीज मिलती है डेकोरेटिव ब्लॉक्स मिल सकते हैं या हॉलो ब्लॉक्स भी आ सकते हैं इसमें तो बात है अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो तो एग्जैक्टली exactly सेम वैसा ही है जैसे हम इससे पहले भी देख चुके हैं ब्रिक्स में कैसा था चार स्टेज का वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले मोल्डिंग ड्राइंग एंड फिर बर्निंग सेम चीज उस इस में भी वही चीज है वही चार स्टेज जो टाइल्स या ब्रिक्स में वही चीज इसमें भी है अब इसमें क्या है जो ये है इसमें जो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है टेराकोटा इसमें हमने क्या किया होता है इसमें हाई प्रोपोर्शन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं और हमेशा इसमें लेस कंटेंट या प्रपोर्शन कह सकते हैं हम किसका होना चाहिए सैंड या लाइम का दोनों का मिलके बहुत ही कम प्रपोर्शन होना चाहिए और वैसे ही जैसे कि इसमें इम्प्योरिटीज ना हो जैसे कि हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है ग्रिट्स होते हैं हमारे पास पेबल्स होते हैं इवन लाइम भी हमने पहले भी कह चुके हैं कि लाइम भी एक इम्प्योरिटी ही होती है इसमें तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें और इसमें क्या है जो हमारे पास क्ले और कुछ अदर मटेरियल्स है उनको क्या करते हैं हम उनको क्रश करते हैं एक फाइन पाउडर बनाते हैं हम दोनों को कहीं पे जो भी हमारी ग्राइंडिंग मिल्स होंगी ना तो उधर वो हम इसको पाउडर फॉर्म करते हैं और थॉरोली फिर इसको क्या करते हैं पानी में जाके मिक्स करेंगे ठीक है इसी तरह से इसको हम ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले का स्टेज था इस तरह से जैसे हम बिक्स और टाइल्स में करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है बस इसमें यह है कि अब इसमें फाइनली क्रेश मटेरियल होगा हमारे पास वो इसमें ऐड करना है एट द ग्राइंडिंग टाइम ऑफ ठीक है एट द ग्राइंडिंग टाइम नेक्स्ट हमारी स्टेज जो है वो है मोल्डिंग स्टेज मोल्डिंग भी एग्जैक्टली exactly हम वैसे ही कहेंगे जैसे कि हमारे पास मोल्ड होते हैं पर इसमें क्या है कि जो टेराकोटा जो है ये हम वुडन मोल्ड्स इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वुडन मोल्ड्स अगर हमारे पास होंगे ये बहुत ही जो ये हमने प्रिपरेशन जो बनाई है इस चीज़ की बहुत ही सॉफ्ट होगी तो इस के चिपकने के मतलब चांसेस बहुत स्टिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वुडन मोल्ड्स में तो हम वुडन मोल्ड इसमें यूज नहीं करते हैं और वैसे के वैसे ही जैसे हैंड मोल्डिंग करते थे या मशीन मोल्डिंग करते थे तो वैसे ही वो दोनों तो वैसे ही होंगी पर इसमें क्या है कि जो हमारा मोल्ड होगा वो बना होगा प्लस्टर ऑफ पैरिस से या जिंक से इन दोनों चीजों से बना होगा तो वुडन से हमारे मोल्ड्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें हमारे जो है स्टिक हो सकते हैं और इंट्रिकेट शेप्स हो सकते हैं हमारे जैसे कि बहुत डेकोरेटिव शेप्स होते हैं तो वो वुडन में नहीं बना सकते तो वो हम वही इसमें प्लस्टर ऑफ पैरिस में ही वो हो सकता है तो इसीलिए हम वो मोल्ड बना लेते हैं फिर उसमें हम इसको डाल सकते हैं तो ये था हमारा मोल्डिंग प्रोसेस नेक्स्ट जो है अब हमारा वो आएगा ड्राइंग स्टेज नाउ व्हाट ड्राइंग स्टेज ड्राइंग स्टेज सिंपल है वही चीज जैसे हम वहां पे ड्राई करते थे वैसे ही यहां पे भी ड्राई करना है इसमें अब बात यह है कि हमें ड्राई करने के टाइम पे दो स्टेजेस है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम जो मोल्ड प्रोडक्ट है हमारा वो दो स्टेज में इनिशियल कौन सी है इनिशियल ड्राइंग जो होनी है उस टाइम पे क्या होगा उस टाइम पे जो हमने यहाँ पे जो भी हमने मोल्ड बनाया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा टेम्परिंग करेंगे उस टाइम पे क्योंकि जो ये ड्राई स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इनिशियल ड्राइंग जब होगी इसमें श्रिंकेज आ जाती है और श्रिंकेज आने की वजह से ये वहां पे स्टिक जो मटेरियल हुआ होगा उस मोल्ड में वो उससे दूर होकर और फिर टेम्परिंग करेंगे और क्ले जो है वो हमें बाहर निकल सकती है या हमें वो मिल सकता है जो भी हमारा मोल्ड है इसी तरह से जैसे कि फाइनल स्टेज में देखेंगे हम कि जो ही हमें वो श्रिंक हुआ हुआ है ना तो वो वेल प्रोटेक्टेड है उसको हम वेल प्रोटेक्टेड फिर रखेंगे जो भी हमारा वो प्रोडक्ट निकल गया तो वो वेल प्रोटेक्ट करके हम कहा एयर स्पेसिस में जहां पे एयर हो बारिश स्टॉर्म्स विंड्स वगैरह ना आए ताकि इस चीज को हमें डिस्टर्ब ना हो ठीक है तो हम अब नेक्स्ट है हमारा बर्निंग स्टेज बर्निंग स्टेज में क्या है बर्निंग स्टेज में जब भी हम टेराकोटा जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे जो मोल्डेड यूनिट्स है वहां पे हम उनको क्या हम करेंगे प्लेस एक फर्नेस है स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस होती है उस चीज को हम कहेंगे मफल फर्नेस तो ये वाली जो फर्नेस है इसमें क्या है कि इसमें कंट्रोल टेम्परेचर होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे तरीके से उस चीज को तो इसी इसमें कैसे अब क्या करना है इसमें जो हम है इन रोज में रख सकते हैं जो भी हमने ये भी जो भी बनाए हुए हैं मोल्ड तो उनको हम क्या करेंगे हम रोज में रखेंगे एक दूसरे के ऊपर मफल फर्नेस में और टेम्परेचर को तकरीबन तकरीबन ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देंगे ठीक है तकरीबन तो ये जो टेम्परेचर हमें 1200 डिग्री तक सेंटीग्रेड किया है ये एटलीस्ट चार दिन तक चलेगा और फिर उसके बाद हम डिसकंटिन्यू कर देंगे इसको किसको यही जो टेम्परेचर डिसकंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे जो हमारे जो टेराकोटा प्रोडक्ट्स हैं वो कूल हो जाएंगे कहाँ पे फर्नेस में ही और, तो और वो हम कूलिंग प्रोसेस जो है वो तकरीबन चार से पांच दिन तक लग सकता है उसमें और जो बैच है बैच मीन्स अगर हमने एक बैच डाल दिया उसमें उस मफल फर्नेस में तो अगला बैच जब हम नेक्स्ट अभी हमने और बैच एक डालना है तो उसमें एटलीस्ट दो डालने में दस दिन लगेंगे पहले दस दिन एक प्रोडक्ट को निकले निकलने में लगेंगे जैसे कि हमारे पास चार से पांच दिन तक बर्न करने में लगे उसके बाद उसको चार पांच दिन कूल करने में लगे तो वही हो गया दस दिन तो इसी तरह से ये हमारा जो है स्टेज नंबर फोर कंप्लीट होता है इसका टेरा कोटा का नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके यूजेस यूजेस तो सीधे से पता ही है हमें उसमें जो है हमारी ऑर्नामेंट वर्क्स जो है वो सारे उस काम आ सकते हैं या बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है हमारा कोई ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स या कुछ तो उस काम हमारे पास ये टेराकोटा आ जाता है इसमें मेन एडवांटेज क्या है इस चीज की कि ये हमारे पास इजीली क्लीन हो सकता है लाइट इन वेट होता है हमारे पास स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है और जो भी शेप डिजायर शेप हमें चाहिए वो हमें मिलती है और हम बहुत सारे कलरफुल डिजाइन इसमें करते हैं सेवरल कलरफुल डिजाइन हमारे पास है और फाइव फायर प्रूफ होता है ये किसी भी एसिड या एटमॉस्फेरिक एजेंसी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है और ये सस्ता होता है एज कम्पेयर टू ड्रेसड स्टोन जो हमने स्टोन जो होती हैं हमारे पास वो ड्रेसड भी होती हैं तो उनसे ये बहुत ही सस्ता होता है ठीक है नेक्स्ट जो है आपका वो है अर्दनवियर अर्दनवियर क्या है जी अर्दन एक रिफाइंड टाइप ऑफ क्ले मीन्स कि बहुत ही साफ अच्छी खासी क्ले से बना होता है इसको भी क्या करते हैं इस मिक्सचर जो है ना हमने ये भी हम केयरफुली इसको भी कूल्ड cool करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से पहले मिक्स करेंगे एंड ऑल्सो कूल्ड वेरी स्लोली ठीक है फिर इसको कुछ कलर वगैरह जो भी हमें इसको कोई के टेक्चर देना हो वो देंगे ये पोअर्स इन टेक्स्चर भी होता है बट सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा ही होता है और जब हम इस पर फिर हम कोई ग्लेजिंग चढ़ाएंगे वो इम्परवेस ग्लेजिंग होगी उसके सरफेस पे जैसे भी हम कह सकते हैं अर्दन जो प्रोडक्ट्स है वो अर्थवेयर जो प्रोडक्ट्स है उनमें से टेराकोटा भी एक किस्म का प्रोडक्ट ही है और जो पोर्सलिन होती है ना पोर्सलिन टाइप्स के होते हैं कुछ जो हमारे पास अर्दन वेयर होते हैं वो भी हम कह सकते हैं ये भी एक टाइप है किस चीज का अर्दन वेयर का नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो हमारा टॉपिक है स्टोनवेयर बेसिकली क्या है इट इज बेसिकली एन क्ले प्रोडक्ट एक्चुअली जो है ये क्ले प्रोडक्ट ही है जो बहुत ही परफेक्टली इम्परवियस और ओपेक चीजों से बनी गई है सुटेबल एडजस्टमेंट करके हमने इसको बनाया है और ये क्ले जो है इसको क्या किया गया है उसमें क्रश भी किए गए हैं जैसे कि रॉक्स फिल्स पे रॉक्स को कहते हैं या कोई पॉटरी हमारी ओल्ड पॉटरी हो उसको भी क्रश करेंगे या पाउडर स्टोन है उसको क्रश करके हम उन सारे चीजों को ये जो है हमारे पास रिफ्रैक्ट्री क्ले क्रश पॉइट्री फिल्स प्लस और पाउडर स्टोन उन सबको मिक्स थॉरोली करेंगे और एक और क्रश जो है हमें एक फाइन पाउडर मिलेगा ठीक है और फिर उसको हम क्या करेंगे हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देंगे फिर जो ही हमने उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दिया वो मोर कम्पैक्ट और डेंस हमारा बन जाता है और इसकी जो यूजेस हैं बेसिकली कहाँ पे देखा गया है कि स्टोन वेयर कहाँ पे यूज होते हैं ड्रेन में हमारी सीवियर पाइप है होती हैं या सैनिटरी वेयर्स जो हैं हमारे पास उन सब में ये यूज होता है और हम कभी कभार क्या करते हैं स्टोरेज ऑफ केमिकल्स भी इनमें हो सकता है फूड इवन फूड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी स्टोर इन स्टोन वे नाउ अब आता है हमारा टॉपिक ग्ले गो है प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है बेसिकली क्या है जो भी हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उस पर यह एक ट्रीटमेंट दी गई है ताकि किस लिए ताकि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो इंप्रूव हो जाए जिस तरह यहां पर लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट गिवन टू ए सर्टन क्लास ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स ठीक है कुछ क्लास के प्रोडक्ट्स को ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं विद व्यू ऑफ इंप्रूविंग दियर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट पे कहीं पे भी पानी आ रहा है तो वो ऑब्वियसली वहां पे डिटोरेट हो सकता है तो उस चीज को रोकने के लिए या तो अगर कहीं वो केमिकल हमारे पास जैसे केमिकल्स आ सकते हैं या वाटर एजेंट है तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं ग्लेजिंग देते हैं ग्लेजिंग बेसिकली क्या है ये एक ग्लॉसी कोट होता है कोटिंग होती है जो कि हमने उस क्ले प्रोडक्ट की सरफेस पे लगानी है ठीक है और ये जो है तकरीबन तकरीबन इट इज जीरो पॉइंट वन एम एम टू जीरो पॉइंट टू एम एम तक होती है ये जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू थिकनेस में इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसकी टू इम्प्रूव इट इज रेजिस्टेंस टू वाटर रेजिस्टेंस टू वाटर ये बढ़ा सकती है केमिकल एंड एटमोस्फेरिक गैसेस से भी इनको बचा सकती है इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है और इसकी प्लीजिंग फिनिश और डेकोरेटिव डिजाइन जो है उस पर हम बना सकते हैं ऑन इट इज सरफेस ठीक है हमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी दो मिनट के जो भी हमने बनाया उसमें डेकोरेटेड होगा कोई डिजाइन होगा कोई जैसे कि कुछ भी डिजाइन होते हैं हमारे पास वो हम बना सकते हैं इस ग्लेजिंग से ठीक है अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो ग्लेजिंग में ही है ग्लेजिंग प्रोसेस कैसे होती है भाई अगर अब ग्लेजिंग जो है वो भी करनी तो है ना अब ये ग्लेजिंग का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है तो सबसे पहले क्या है हमारा ग्लेजिंग प्रोसेस जो है साल्ट ग्लेजिंग है अब ये साल्ट ग्लेजिंग में क्या होता है साल्ट ग्लेजिंग अगर हम करते हैं इसमें तो क्या करते हैं साल्ट ग्लेजिंग जो है इसमें हम पहले भी फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास हम लस्टीरियस फिनिश लस्टीरियस मीन स्मूथ एंड शाइनी फिनिश बहुत ही स्मूथ फिनिश होती है इसमें हम सबसे पहले क्या होता है कि इसमें बहुत ही स्मूथ फिनिश बन जाती है हमारे पास और जो भी प्रोडक्ट्स है चाहे स्टोन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टोन वेयर कैटेगरीज हो या कोई भी हो तो उनमें हम ये चीज करते हैं इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड जैसे कि हमारे पास एन है सोडियम क्लोराइड उसको लेके आते हैं और उसको थ्रो करते हैं हम कहा क्लेंस में ठीक है कहाँ पे वो क्रेन रहे हैं? जहां पे हमने उनको बर्न करने के लिए रखा हो उस टाइम पे हम उसको बारह सौ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तो होता है वहां पे और वो हम वहां पे थ्रो करते हैं और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है वहां पे ठीक है जो ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो यहाँ पे हमने साल्ट थ्रो किया था फर्नेस में उनमें क्या होना चाहिए होता है कि वेपराइज उसमें वेपराइज फॉर्म में आ जाता है वो साल्ट वो ड्यू टू हीट और जो ही वो वेपर राइज होने स्टार्ट होता है वो वेपर्स में स्प्रेड होता है पूरे एंटायर सरफेस पे जो भी हमने वहां पे जो हमने प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उस पूरे एंटायर प्रोडक्ट के ऊपर पे 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 वो पे, वो सरफेस वेपराइज फॉर्म पे एक थिन लेयर सी बन जाती है उस पर किसकी सोडियम सिलिकेट की ठीक है तो जू ही वो उसके ऊपर स्प्रेड हो गई सोडियम सिलिकेट की एक थिन सी लेयर और फिर वो क्या है केमिकली रिएक्टिंग करती है कहा भी आर्टिकल्स होंगे हमारे उनपे वहां पे हॉट सरफे पे वो रिएक्ट करती है वहां पे और ये जो प्रैक्टिसेबल है ये हमेशा इंफीरियर टाइप ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स पे ही करते हैं ठीक है और ये देखा गया है कि हमने जो भी यहाँ पे इसमें यूजफुल जो भी हमने ये बनाई हुई है तो मोस्टली कहां पे हम यूज करते हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई सैनिटरी पाइप्स होगी या केमिकल स्टोन वेयर होंगे तो उनमें ज्यादातर ये स्टोन ग्लेजिंग का, का काम कर लेते हैं तो इसी तरह से दूसरा प्रोसेस जो है हमारा ये है हमारा ओपेक ग्लेजिंग ओपेक ग्लेजिंग जो है ये बेटर प्रोसेस है और ज्यादा कॉमन है ग्लेजिंग आर्टिकल करने के लिए इवन डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जो हमारे पास है जैसे कि हमारे पास क्रॉकरी होती है या सैनिटरी वेयर होते हैं तो मोस्टली ये हम ओपेक ग्लेजिंग ही का ही प्रोसेस यूज करते हैं तो इसमें क्या है इसमें हम पहले जो हमारे पास जो मेटीरियल है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फाइन क्वांटिटी ऑफ क्ले हो सकती है या फ्लैश पर हो सकता है इवन बोरिक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड हो ये सारी चीजें जो है तो हम क्या कहते हैं ये हम अकेले में यूज करते हैं कम्बी या इवन कंबाइन भी कर सकते हैं या जिंक या लेड के साथ हम कंबाइन भी करते हैं और सोटेबल कंबिनेशन एक बन जाती है उनकी फिर क्या होता है जो ग्लेजिंग मटेरियल है अब हमारे पास ये जो ग्लेजिंग मटेरियल है ना हमारे पास तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम फर्स्ट पहले प्रिपेयर करते हैं फाइन होमोजीनियस लीन पेस्ट बनाते हैं एक लीन पेस्ट हम बना लेते हैं और जो भी जो ही हमने लीन पेस्ट बना लिया उसी को वो हम क्या करते हैं उसी को हम क्ले प्रोडक्ट्स या डिजायर्ड जो भी है हमारे पास उन पे हम लगा लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम वहां पे डिप करते हैं उस वहां पे उस प्रोडक्ट उस को जो भी हमने वो पेस्ट बनाया है उसमें प्रोडक्ट करते हैं और फिर क्लिन में लेके जाके हम टेम्परेचर को रेज कर देते हैं ठीक है और जूरिंग ये जो हमने फायरिंग प्रोसेस किया है या कोटिंग की है ग्लेज कम्पोजिशन दिया है हमने इसको हम अच्छे से वर्टिफाइड करेंगे और यूनिफॉर्म ग्लेज जो भी हमने डिजायर कलर किया है ओवर द क्ले वेयर पे वो अच्छे से वहां पे हमने अगर हमारे पास अब ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग होगी कहीं पे जरूरत है हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग तो हम एक कंपाउंड होता है हमारे पास क्ले वेयर जो भी है हमारा क्ले वेयर बर्न हम पहले लो टेम्परेचर पे करते हैं फिर हम डिप करते हैं उसमें जो हमने जो भी हमने वो पेस्ट बनाया जिसको हम स्लिप भी कह सकते हैं और फिर अगेन हम बर्न करते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे और हमारा जो है ग्लेजिंग फाइन क्वालिटी बन जाता है ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है कॉमन प्रोसेस फॉर मेकिंग द सर्फेस ऑफ सम डोमेस्टिक एंड जनरल अपलायसेज ऑफ मेटेलिक नेचर वेरी स्मूथ एंड रेजिस्टेंट कैमिड प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ पेपर है वेरी फाइन होमोजिन लीन पेस्ट पे बनाए ऑफ ग्लेजिंग कंपाउंड एंड डिजायर थॉरोली जो जो ही हमने ये बनाया फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं उस प्रोडक्ट को जिसको भी हमने फिनिश करना है उसके अंदर प्रोडक्ट डाला और फिर निकाल के फिर हमने वो जो निकाल जो उस पर पे वो पेस्ट बनके निकला हुआ था क्लेन फॉर बर्निंग कहां रखते हैं फिर उसके बाद बर्निंग करने के लिए क्लेन में ले जाते हैं और हाई टेम्परेचर एंड ज्यूरिंग दिस प्रोसेस कोटिंग एंड ग्लेज कंपोजिशन गेट कंप्लीटली वेट्रीफाई जो भी कोटिंग या ग्लेज कंपोजिशन था हमें वो अच्छे से हमें मिल जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो नेक्स्ट हमारा इसमें प्रोसेस है ग्लेजिंग का वो है पोर्सिन एने क्या है ये भी जो है ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ uh, ये है प्रोसेस ऑफ ग्लेजिंग है इसमें क्या है कि ये भी हम uh, कुछ डोमेस्टिक uh, जो है हमारे पास और जनरल अप्लायंसेस है मेटेलिक जो नेचर होंगे वेरी स्मूथ हो सकते हैं वो ठीक है जैसे मेकिंग द सर्फेस ऑफ डोमेस्टिक एंड जनरल ऑफ वेरी स्मूथ रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड डिटोरेशन बाई डस्टिंग तो उन चीजों से हम रोक सकते हैं इनको तो इसमें क्या है उसमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्ले यूज होती है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्ले जैसे कह सकते हैं हम क्यो लाइन होती है हमारे पास वो बहुत ही मतलब अच्छी फाइन क्ले होती है और इसी तरह से चाइन क्ले जो है वो भी हमें मिलती है वो बहुत फाइन क्ले होती है वो हमें यूज होती है उस उस टाइम पे इसमें और फिर इसी तरह से जो हमारा जो है प्रोडक्ट uh, है फिर जो हमने इसमें पोर्सिन uh, एनेबलिंग किया है जो कोटिंग की है इसके क्ले प्रोडक्ट की इस uh, इसमें तो फिर हम क्या करते हैं वही जो फिर हमारे पास पेस्ट निकल के आता है या हमने किया हुआ है, तो उसको एक टेम्परेचर में लेके चले जाते हैं पंद्रह डिग्री तक और वहाँ पे वो टेम्परेचर में वहाँ उसको समझो पकने देते हैं और जब यूनिफॉर्मली जो डिस्पर्स वहां पे हो जाएगा हमारा जो भी ग्लेजिंग uh, मटेरियल है और वो उस पर स्टक हो जाएगा उस मटेरियल पे या मेटल सरफेस पे बहुत ही अच्छे से उसपे ये स्टक हो सकता है फर्मली स्टक हो सकता है तो ये थे हमारे कुछ इसमें जो प्रोसेसिंग थी हमारी ग्लेजिंग प्रोसेसिंग के लिए